बच्चों आप ध्यान सुने, इसकी जनरल फॉर्म क्या है एक्सरसाइज दो की। एक्सरसाइज दो में इस फॉर्म के सवाल है, इस फॉर्म के क्वेश्चन है एक्सरसाइज दो में, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी। तो आपको ये वाला टर्म जरूर देखने को मिलेगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर 100% मिलेगा। जब इस प्रकार के सवाल दिए गए होंगे तो आप उस गिवन इक्वेशन की इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, जहां स्मॉल आर एस टी अपने यूजुअल मैनर में है, मतलब जो होते हैं आर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता है, एस डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई होता है, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। तो गिवन इक्वेशन की आप इससे कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है पूरा कंप्यूटर में, अब बाकी नहीं दे रखे तो जीरो ले लेंगे कोफिशिएंट, तो क्या लिखोगे, इक्वेटेड इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद द इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू क्या। तो हाँ भैया बना तो रहे वीडियो भी, बताओ दिखाई न दे रहा साहब, अच्छा आज तो भैया दुर्गेश को फोन लग रहा है ईमानदारी से, आज झूठ ना बोल ले, देखो चलो तुम्हारा क्लियर है ठीक। देखिए किसी का ब्लर है बच्चों, किसी का क्या कहते हैं क्लियर है, किसी को ज्यादा परेशानी हो रही है, ये तीनों वैल्यू जीरो हो गई, क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ आर टी माइनस एस स्क्वायर का टर्म है, बाकी टर्म नहीं पता। तो यू की वैल्यू क्या है कंपेयर करोगे तो एक, और v की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस ए स्क्वायर, जब इधर भी अब आप एक लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ना वी हैव हम रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा, तो बच्चों लैम्डा स्क्वायर यू वी प्लस आर टी प्लस लैम्डा एस यू और प्लस बच्चों यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, देखना ये वाली इक्वेशन होती है क्या, लैम्डा स्क्वायर यू प्लस आर टी लैम्डा एस यू प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहां के बाद आप इन वैल्यूज को यहां रखोगे, तीन केस बनेंगे, तीनों को डिस्कशन यहां करूंगा आगे, पर सवाल जो केस होगा जिसका उसी से करूंगा, थोड़ा बता दूंगा। देखिए आपका u का मान क्या है 1 और v का मान क्या है माइनस ए स्क्वायर, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, r और t 0 है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर u v का मान थोड़ा दिखाई दे कम बड़ा कर दो माइनस ए स्क्वायर u की और v की मल्टीप्लाई करके आ गया r t 0 लैम्डा s 0, तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा और यू की वैल्यू क्या बच्चों एक, तो ये एक हो जाएगा, एक का वैल्यू जीरो। आप क्या देख रहे हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू जीरो, देखिए अब ध्यान से लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना एक हो जाएगा, इधर भेजेंगे माइनस से कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस वन अपॉन एक, तो दो वैल्यू हो गई वन अपॉन ए और माइनस वन अपॉन ए, एक को लैम्डा वन मानोगे एक को लैम्डा। अब कंडीशन क्या हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई कि आपकी यहां से लैम्डा की वैल्यू ही ना निकले, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब हो सकता है कि जब ये दोनों टर्म जीरो हो जाए, ऐसा जब हो सकता है। अगर लैम्डा की कोई वैल्यू ना निकले तो आप एक्सरसाइज एक की तरीके से काम करेंगे, जो एक्सरसाइज एक में मैंने करवाया, तो क्या लिखोगे, दिस मेथड इज फेल्स बिकॉज वी आर अनेबल टू फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा फ्रॉम हियर, हम यहां से लैम्डा की वैल्यू प्राप्त करने में
असमर्थ है। सो नाउ वी हैव टू प्रोसीड ना डायरेक्ट मेथड, उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। नाउ वी हैव टू प्रोसीड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे और टी का मान निकालेंगे, इस इक्वेशन रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, मोंगे सब साइड इक्वेशन को अलग अलग करेंगे। लेकिन इसमें अंतर थोड़ा सा ये हो जाएगा कि सवाल इस अभ्यास का हो लेकिन वो इसके मेथड से ना हो रहा हो, मेथड डायरेक्ट से हो, तो फिर एस के गुणांक से बनने वाली इक्वेशन दो भागों में नहीं टूटेगी। जो दूसरी वाली इक्वेशन हो जाएगी वो दो भागों में टूटेगी। मैं प्रोसीजर समझा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में होंगे सवाल, वो टूटेगी दो भाग में। वहां से डायरेक्ट पी और क्यू के मान निकल जाएंगे और जो डायरेक्ट पी और क्यू के मान निकलेंगे वो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एच प्लस की डी वाई में रख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रोसीजर आसान थोड़ा सा जो चल रहा है उसके अपेक्षा। दूसरा मेथड के लैम्डा की वैल्यू सेम आ जाए। दूसरा मेथड क्या है, मतलब एक तो मेथड लैम्डा की दोनों वैल्यू मिल गई और दोनों अलग अलग है, एक मेथड लैम्डा की वैल्यू ना मिली और एक मेथड के जब लैम्डा की दोनों वैल्यू सेम आ जाए तब भी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो फिलहाल क्या करते हैं, जब लैम्डा की दोनों वैल्यू डिस्टेंट है, रियल एंड डिस्टेंट। तो बच्चों यहां दो इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालोगे, वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल और दूसरा, उसके लिए इक्वेशन है थोड़ी दो बड़ी बड़ी सी है वो लिखनी है आपको, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं। एक याद करना, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, आवाज नहीं बच्चों। देखिए इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय द इक्वेशन, यहां लिख रहा हूं बच्चों इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय, गिवन बाय इससे दिया जाता है, किससे दिया जाएगा, यू डी वाई प्लस लैम्डा वन टी डी एक्स प्लस लैम्डा वन यू डी टी इज इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा टू आर डी वाई प्लस यू डी एक्स प्लस लैम्डा टू यू डी इज इक्वल टू। बच्चों इससे एक निकलेगा इंटरमीडिएट इंटीग्रल, बहुत ना है दोनों निकालने और ये दोनों वैल्यू डिस्टेंट है, बहुत जब रहेगा जब दोनों वैल्यू सेम रहेंगे। ठीक, अगर दोनों डिस्टेंट है तो दोनों निकाल ले। दूसरे किससे निकलेगा बच्चों, बस अंतर क्या कर दोगे, पहले में जहां लैम्डा है दूसरे के लिए वहां लैम्डा टू कर दोगे, तो जहां लैम्डा टू है वहां लैम्डा वन, तो जब एन अदर इंटीग्रल एन अदर इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालोगे तो यहां और यहां लैम्डा टू हो जाएगी और यहां इतना इक्वेशन यही है। बच्चों आप क्या लिखोगे, वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय, और बच्चों अपने शब्दों में लिख लेना आप, बाद में जब मैं सवाल खत्म करूं कहां क्या कैसे करना है नहीं भूल जाऊंगे। तो लिखो यू डी वाई प्लस लैम्डा वन टी डी एक्स प्लस लैम्डा वन यू डी पी इज इक्वल टू जीरो, दो भागों में बांट दे रहा हूं मैं, इसका आधार इसका आधार, एंड लैम्डा टू आर डी वाई यू डी एक्स लैम्डा टू यू डी टू इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखो, पहले यू की वैल्यू एक डी वाई, लैम्डा वन की वैल्यू वन अपॉन ए, टी की वैल्यू जीरो, लैम्डा वन की वैल्यू वन अपॉन ए, यू की वैल्यू ए, डी पी इज इक्वल टू जीरो। बच्चों आवाज में आपके पास ये चीज हो चाहिए, डी वाई प्लस डी पी बटे ए इज इक्वल टू जीरो, और सॉल्व करेंगे तो डी पी प्लस ए डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस पार्ट को करो, लैम्डा टू की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन ए, आर की वैल्यू देखो क्या है जीरो, तो ये डी वाई लिखी ना रहा मैं, पूरा जीरो हो जाएगा। यू की वैल्यू है डी एक्स, लैम्डा टू की वैल्यू माइनस वन अपॉन ए, यू की वैल्यू एक डी, यहां से बच्चों ये पूरा जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा ए डी एक्स
माइनस डी क्यू बराबर जीरो, तो माइनस डिवाइड कर दूं डी क्यू माइनस ए डी एक्स इक्वल टू। अब आप इसका इंटीग्रेट करोगे और आप इसका इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग पी प्लस ए वाई इजिकल टू ए वन, और ये क्यू माइनस ए एक्स में ए एक्स इजिकल टू बी। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये दोनों इक्वेशन कंबाइन करनी है, ये दोनों इक्वेशन कंबाइन, कंबाइन करने का नियम आप जानते हैं, तो इंप्लाई करेगा पी प्लस ए वाई इजिकल टू एफ वन डैश और कितना बच्चों बी वन। ये नोटेशन है, मेथड है। अब मैं जितनी देर में तुम्हें मेथड समझाऊंगा इतनी देर में सवाल भी हो जाएगा, मेथड भी हो जाएगा, और मेथड सवाल करने से ज्यादा समय ले लेगा और ना समझ में आएगा। देखिए जब तक सवाल संख्या रूप में ना हो तुम्हारे पास, बस थोड़ा यहाँ ये अजीब लगने वाली बात है पर इसको ध्यान रखेंगे, मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि ये जो बी वन है इसे बी वन का मान लिखोगे, यहाँ बी वन का मान क्या है क्यू माइनस ए एक्स, और अगली लाइन में बच्चों यहां तक तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहां थोड़ा सा कोई विचार कर सकता है कि ऐसा क्यों, यहाँ इसको अल्फा मानेंगे, और विचार क्यों करोगे तुम, ये कैसे तो सर जी तभी जो भी तो बी वन मान रखा है ना, तो फिर ये नया अल्फा क्यों मान रहे हैं बच्चों। ऐसा करके हमें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इसी क्रम में कैलकुलेशन होनी है अल्फा और बीटा के रूप में, ठीक है। प्रोसीजर देख सकते हैं आप एक बार पेज खोल कर, अल्फा कॉन्स्टेंट नहीं है, फंक्शन है इसमें जो एक्स का फंक्शन है। देखो सभी विद्यार्थी ये प्रोसीजर करते हैं हम, अल्फा बीटा के रूप में लास्ट में पहुंचेगा सवाल, अगर हम बी वन और उसी में रहें तो फिर वहीं की वहीं रह जाएंगे, सवाल को आगे नहीं बढ़ा। देखो मैं अपने आप बताए दे रहा हूँ, किसी के दिमाग में उठा के सर जी बी वन है और यही चीज है, इसी को यार अल्फा क्यों मान। देखिए कितना काम करेगा ये अल्फा आपका, इसको एक इक्वेशन मान लूंगी आपको, अभी हमने इन दोनों कंबाइन कर दिया, इक्वेशन क्या हो गई इसको दो। अब बच्चों वेयर जहां अल्फा इजिकल टू लिखो क्या है क्यू माइनस ए एक्स, इसको लिखो तीन, लिख दिया सेम जो आपने वन इंटरमीडिएट किया, बिल्कुल इतना ही काम करोगे अगर इंटरमीडिएट इंटीग्रल से, तो क्या लिखोगे नाप अदर इंटर अदर इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज। बच्चों पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या, कट तो ना रहा कुछ, ठीक है अदर इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज। बच्चों ये इक्वेशन लिख दो बस, जहां लैम्डा वन है वहां लैम्डा टू, जहां लैम्डा टू वहां लैम्डा वन, यू डी वाई प्लस लैम्डा टू टी डी एक्स प्लस लैम्डा टू यू डी पी बराबर जीरो। अब बच्चों अभी धर्म जगह है ना, तो सॉल्व एक एक करके करनी पड़ेगी, फिर ऐसा करूं तो नहीं, यही लिखते हैं दूसरी क्या लैम्डा वन आर डी वाई प्लस यू डी एक्स प्लस लैम्डा वन यू डी क्यू बराबर जीरो। अब बच्चों मान रखिए अपने यू की वैल्यू एक, एक इंटू डी वाई, लैम्डा टू की वैल्यू माइनस वन अपॉन ए, टी की वैल्यू जीरो, लैम्डा टू की वैल्यू माइनस वन अपॉन ए, यू की वैल्यू एक डी पी बराबर। ये देखिए यहाँ डी वाई और यहाँ माइनस वन अपॉन ए डी पी बराबर क्या है जीरो है आपका, और फिर से ऐसे ही काम करेंगे हम डी पी माइनस ए डी वाई। बच्चों एक लाइन डायरेक्ट लिखी बस मैंने एलसीएम लिया
और माइनस कॉमन लेगा जीरो बीटा। इतना ही काम मैं इसका कर ले रहा हूँ। अब इसमें जो जीरो बनेगा टर्म उसको नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह कम है दबा का, ठीक। जीरो कौन सा टर्म बनेगा, एक तो ये बन जाएगा जीरो, आर का मान जीरो रखते, तो मैं इस टर्म को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इन दोनों टर्म को लिख रहा हूँ। यू की वैल्यू वन डी एक्स, लैम्डा वन की वैल्यू वन अपॉन ए, यू यू की वैल्यू एक और डी क्यू। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस ए डी एक्स, ए डी एक्स इक्वल टू जीरो। बच्चों हमने क्या किया, जैसे ये इंटरमीडिएट इंटीग्रल लिखी थी उनमें मान रख के यहां तक दोनों को ले आए हैं। अब क्या करना है हमें, अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट पी माइनस का ए वन इजीगल। बच्चों ए वन और बी वन तो यूज हो चुके हैं हमारे, अब यूज कर लो ए टू बी टू, और इधर क्यू प्लस ए एक्स इधर बी टू। अब हमारे पास थोड़ी सी गुंजाइश इधर बच रही है, इस जगह का यूज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समझाना अभी नहीं मिटा देते हम, जो मैं समझाऊं और आपके लिए मैं कहूं कैसे नोट कर लो उसे नोट करके लिख लेना। देखिए क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन ये कंबाइन करनी है हमें, तो कंबाइन करके वही देना बिल्कुल, पी माइनस ए वाई इज इक्वल टू एफ वन डैश पहले लिखा था, अब एफ टू डैश लिख दो, और कितना बी टू इंप्लाइज रहेगा पी माइनस ए वाई इज इक्वल टू एफ टू डैश, बी टू को क्या बीटा मान लोगे, क्या मानोगे बीटा। तो ये इक्वेशन मैंने मान रखी है ऐसी दो, इसको तीन तक मान सके चार मान लो, और भैया जहां आप बीटा बराबर लिखोगे कितना क्यू प्लस एक्स। अब देखिए मैं इनका आपका वास्तव में उद्देश्य है जेड का मान निकालना, जो आप इस इक्वेशन से निकालोगे, तो मेन उद्देश्य है पी और क्यू का मान निकालना। क्या निकाल जी, इसे पूरे को ऐसे लिख सकते हैं जीरो इंटू स्मॉल आर, जीरो इंटू स्मॉल एस, जीरो इंटू टी, फिर ये तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी तीनों का मान जीरो इसमें, और आर डी मैं एस स्क्वायर का गुणांक एक, तो यू का मान एक, और v का मान निकालना है, ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म इधर होना चाहिए तो माइनस में आ जाएगा v का मान। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा में ये वाली यूज करते हैं, ये इस इक्वेशन के लिए आपको लैम्डा नहीं u v r t s ये सब मान रखने हैं, आपके पास सरल करके इतना आएगा। लैम्डा के मान जब निकालोगे तो ये हो जाएंगे दो मान, यहां से केस बनने शुरू हो जाएंगे। अगर लैम्डा के मान दो डिस्टिंक्ट हो, दिमागर समझ लो, लैम्डा के दो डिस्टिंक्ट मान हो तो जो मेथड चल रहा है ये वाला यूज करोगे, लैम्डा के मान दो हो और दोनों सेम हो तो ये मेथड फेल हो जाता है बच्चों। फिर इस मेथड को यहीं छोड़ देते हैं और लिखते हैं हेयर बी आर। अच्छा ये मेथड फेल नहीं, ये मेथड फेल जब होगा जब लैम्डा का मान ही ना निकले, मानो लैम्डा का मान ना निकल रहा तो लिखेंगे वी आर अनेबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, सो दिस मेथड इज फेल, नाउ वी प्रोसीड डायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट मेथड कौन सा है, जो एक्सरसाइज एक का था, उसमें आप आर और टी का मान निकालेंगे, अपनी गिवन इक्वेशन रखेंगे, वो मेथड पीछे छूट गया, आप उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, इसमें कर रहे हैं। अगर सेम मान है आपके, कैसे मान है सेम, तो यहाँ हम दो इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकाले हैं हमने, सेम में केवल एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकलेगा, और एक इंटरमीडिएट इंटीग्रल से डायरेक्ट पी की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट क्यू की वैल्यू निकालनी है। देखो सपोज करो हमारा ये सेम होता, ये भी वन अपॉन ए होता, तो हमने वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल का काम कहां तक किया है, यहां तक किया है, इसको भी नहीं लिखते, केवल यहीं पे आ जाते, यहां से पी का मान निकाल लेते और यहां से क्यू का मान निकाल, P और Q के ये मान आपकी जनरल इक्वेशन ये होती है dz is equal to pdx plus qdy में, इस पर रख देते P और Q को मान डायरेक्ट सॉल्व हो जाता, बहुत आसान हो जाता अगर सेम होते तो। इतना लफड़ा जब ही पालना है जब दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो बच्चों हम डिफरेंट के लिए काम कर रहे हैं, वन अपॉन ए लिया जैसा हमने लैम्डा वन, इतना लैम्डा टू,
तो वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज गिवन बाय उसकी बच्चों ये इक्वेशन है ये और ये दोनों साथ रखी जाएंगी एक साथ लेनी है दोनों को मिलाकर तभी वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकलेगा आपका। तो इस इक्वेशन में हमने जो भी वैल्यू रखनी थी वो रख दी यू की और लैम्डा वन की जो भी है ये सरल करते करते आया इतना डी वी प्लस ए डी वाई इक्वल टू जीरो इसका इंटीग्रल इतना आया। अब इसमें रखी हमने लैम्डा टू की वैल्यू यू की वैल्यू ये सरल करते करते इतना आया इसका इंटीग्रल इतना आया। अब ये वन इंटरमीडिएट इंटीग्रल की दो दो इक्वेशन होती है बच्चों इंटरमीडिएट इंटीग्रल उसको कहते हैं जिससे हम सेपरेट मान ना निकाल सकते चेयरबिट मेथड में और उसमें अरे वो कौन सा मेथड था उससे पहला लैग्रांज वाला मेथड उसमें हम इस चीज का बहुत यूज करते थे कंबाइन करते थे सॉल्यूशन को कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस ठीक है। तो जहां ऐसा होता है इंटरमीडिएट इंटीग्रल यूज किया जाता है तो ये चीज आई इसको कंबाइन करना है कंबाइन करके पी प्लस ए वाई जी कर दो एफ वन डैश ये उसका मेथड का हिस्सा बच्चो एफ वन डैश जो दूसरा कॉन्स्टेंट बी वन का मान रखेंगे इसको हम अल्फा मानेंगे क्या मानेंगे अल्फा। तो ये हो गया पी प्लस ए वाई इजिकल टू एफ वन डैश अल्फा समीकरण नंबर दो और लिख दोगे भेयर अल्फा बराबर जितना भी है। तो एफ वन डैश अल्फा को एक इक्वेशन मानना है अल्फा वाली को इक्वेशन अगली मानना है ध्यान रखनी है हर सवाल में ये प्रोसीजर अलाउ करना है हर सवाल में ये दो इक्वेशन ये इक्वेशन तीन। अब अगर इंटरमीडिएट इंटीग्रल करना है उम्मीद करता हूँ बच्चों अगर इंटरमीडिएट इंटीग्रल की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक आप नहीं करवाओगे देखो आप डैश मान लो ये तो नोटेशन है बस ये तो नोटेशन है इसको तुम किसी और से नोट कर सकते हो ठीक है पर ये मानना है आपको यहाँ पर क्योंकि इससे काम होना है आपका ये नोटेशन है केवल इसको एफ वन डैश मान लो जी वन डैश मान लो जो भी मानना है वो मानो पर जो हमारे प्रोसीजर में दे रखा है हमने वो मान लिया है। अब बच्चों एक बात करना है आपको यहां से हम यहां तक बढ़ गए हैं दूसरे इंटरमीडिएट इंटीग्रल से अब हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है इन्हें लिख लेना कहां से कैसे कैसे ज्ञात करने हैं पहले मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू फाइंड करनी है फिर x से dx की वैल्यू फाइंड करनी है y की वैल्यू ज्ञात करनी है y से dy की वैल्यू ज्ञात करनी है एक वैल्यू p की ज्ञात करनी है एक वैल्यू q की ज्ञात करनी है इन सब वैल्यूज का यूज होगा। तो अब ध्यान से सुने x की वैल्यू कहां से ज्ञात करनी है आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है अल्फा और बीटा से अल्फा और बीटा वाली इक्वेशन से x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो नोट करके किसी भी कॉर्नर पे आप यहां लिख सकते हैं बच्चों देखो फाइंड x फ्रॉम देखो अगर ऐसे ही नंबर इन डाला तो मैं नंबर ही लिख दूंगा ठीक है फ्रॉम इक्वेशन अल्फा और बीटा वाली इक्वेशन एक तो तीन है और एक पांच है तीन एंड फाइव से कर लोगे देन फिर आपको डी एक्स फाइंड करना है जो एक्स आ जाएगा उससे डी एक्स हो जाएगा वाई फाइंड करनी है बच्चों फाइंड वाई फ्रॉम जो अल्फा बीटा ये वाली इक्वेशन है एफ वन डैश अल्फा और एफ टू डैश बीटा इससे वाई ज्ञात करनी है। तो ये इक्वेशन कौन कौन सी है टू और फोर फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फोर जब रूट आपके अलग अलग आए लैम्डा के मान तो ये मेथड फॉलो करोगे तो नंबरिंग इक्वेशन एनी वाली को देना ठीक है जो मैंने दे रखी है बाकी फालतू में कहीं इक्वेशन को नंबर मत देना और फिर ध्यान रखना कहां से क्या करना है। अब देन तब आपको डी वाई ज्ञात करना है अब रह गए मेन काम पी और क्यू के पी का जो मान ज्ञात करना है वो बच्चों एफ वन डैश अल्फा वाली इक्वेशन से अर्थात दो से ज्ञात करना है फाइंड पी फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एफ वन डैश अल्फा वाली एंड क्यू फ्रॉम जो बीटा वाली इक्वेशन है पांच ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर ये भूल गए तो अब तक की मेहनत बेकार है नोट कर लो इसे कहीं अलग क्यू इसमें से निकालना है जो पांच इक्वेशन है बीटा वाले क्यू इसमें से तुम मैं सब कुछ पूछ रहा है यहाँ या तो टू की
एक मिनट, फ्रॉम फाइंड बी फ्रॉम टू, सही है, इससे निकालनी है ये तो बी हमें, और हमारे एंड क्यू फ्रॉम, बच्चों क्यू वाली इक्वेशन ये है ना, तो पांच लिखी तो मैंने, पांच ही लिख रही है ये, तीन से भी तो निकल सकती, निकल सकती है, निकलने को तो ऐसे भी कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन है, ये वाली इसको पी और क्यू बना लो, ऐसे ही इंटरमीडिएट से निकाल लो, पहले चैप्टर के तरीके से निकाल दो, लेकिन जो मेथड है इसका वो ध्यान रखना है, इस मेथड में इसी प्रकार से निकाल रहे हैं, निकालने को पी हमने कहां से निकालने की कह रहे हैं, दो से, पी इससे भी निकल जाएगी, इससे भी निकल जाएगी, लेकिन मेथड के अनुसार चल रहा है आपको इसमें, ठीक है, ये याद रखनी, अगर तुमने ये गलत कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा, सवाल आंसर की चल रहा है, ये सवाल होगा ही नहीं, उम्मीद कर रहा हूं ये सभी विद्यार्थियों ने नोट कर लिया होगा ऑनलाइन वालों ने, बाकी तो वो नोट कर देना, बस वो लेते हैं ऐसा शॉर्ट भाषा चल रही है, स्क्रीन शॉर्ट, तो बच्चे अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, लेकिन हमें इन सब का यूज करना है जब ये चीज चाहिए, और मैं केवल अभी बस इतना मिटा रहा हूं, इन इक्वेशंस का यूज करना है तो इन सबको मिटा दे रहा हूं बच्चों, काफी बड़ा प्रोसीजर है इस सवाल का, पहले एक्सरसाइज में भी नहीं था इतना बड़ा था, बच्चों बाद में रफ करेंगे, इतना ही बहुत है, देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले एक्स, और किससे ज्ञात करना है, इक्वेशन पी और पांच से, तो देखो इस इक्वेशन से और इससे एक्स ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, ये क्यू सेम है, ये क्यू खत्म करना है, कैसे खत्म करना है, इस इक्वेशन में से इसको घटा दो या इसमें से इसे घटा दो, ठीक है, जैसे करना हो तो माइनस प्लस में अंतर आ जाएगा सॉल्व करेंगे, तो मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ, तीन में से इक्वेशन नंबर पांच घटा दे रहा हूँ, देखो ऐड करूंगा तो एक्स कट जाएगा, इसलिए घटाना नहीं, जोड़ना है घटाना है वो आपको देखना है, बस ये बता दी इससे सॉल्व करनी है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फाइव, तो देखो अल्फा माइनस बीटा तो इधर हो गया बच्चों, क्यू से क्यू खत्म, माइनस ए एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का ए एक्स, तो ये माइनस टू ए एक्स, और ये अल्फा माइनस बीटा, एक्स इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बटे टू ए, प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को कहीं भी, अब हमें यहां से डीएक्स करना है, डीएक्स का मान वन अपॉन टू ए डी बीटा और माइनस डीएक्स, अब बाई बराबर, बाई की वैल्यू क्या करनी है, दो से और चार से, चार ये रही दो ये रही, देखो अगर हम जोड़ दें तो बाई कट जाएगी, इसलिए जोड़ कर काम नहीं चलेगा, आपको घटाना है, चार में से दो घटा दो या दो में से चार घटा दो, आंसर एक ही आएगा, कुछ भी कर दो, तो चलिए मैं कर रहा हूं इस बार इक्वेशन दो को घटा दे, फोर माइनस इक्वेशन नंबर टू, देखो पहले राइट हैंड को काम खत्म करें, एफ टू डैश बीटा माइनस एफ टू डैश बीटा माइनस एफ टू डैश अल्फा, आवाज नहीं, और बच्चों पी से पी खत्म हो जाएगा, माइनस ए वाई से वाई खत्म होगा, माइनस का टू ए वाई, एक बार तो मैंने चार में से घटाई है ना, अच्छा बल अब देखिए p से p खत्म, माइनस ए वाई वो माइनस ए वाई माइनस टू वाई, तो बाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए माइनस माइनस प्लस एफ वन डैश अल्फा और माइनस एफ टू डैश बीटा, अब डी वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी वन अपॉन टू ए एफ वन डबल डैश अल्फा, और यहां क्या हो जाएगा डी अल्फा, अल्फा का क्रम लिया, यहां एफ टू डबल डैश बीटा और बीटा का क्या डी बीटा, अब पी और क्यू के मान है गए हमारे, पी का मान मैंने किससे लिखा टू से, तो यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर दो, इक्वेशन नंबर दो से पी इज इक्वल टू एफ वन डैश अल्फा माइनस का ए वाई, और फ्रॉम क्यू का मान निकालना पांच से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर पांच
q = β - ax। यहां के बाद अब आपको क्या करना है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू रख लेता हूं इसमें, इन dz = pdx + q dy। तो dz = p की वैल्यू क्या है बच्चों, p की वैल्यू है f1 - ay और ये क्या dx + ये बच्चों q स्मॉल लिखनी है और q की वैल्यू क्या है β - ax * dy। बच्चों इतना उतार लीजिए, मैं काम करूंगा। dz की वैल्यू बच्चों यहाँ प्रोसीजर ढंग से समझेंगे इंटीग्रल करने का। dz की वैल्यू ये इसे सॉल्व करो थोड़ा सा, f1 - alpha और क्या dx -ay dx + β dy - ax dy। सबसे पहले ये वाले और ये वाले पद को एक साथ ले लो, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉमन लेकर इंटीग्रल के लिए। माइनस ए कॉमन आएगा, y dx + x dy। अब बाकी जो पद बचे इसमें जहां जो मान आपने निकाला है वो रख ले। देखिए प्लस f1 - alpha, dx की वैल्यू कहां निकाली बच्चों तुमने, ये 1/2a d β - d alpha और ये रह गया प्लस बीटा इंटू dy। dy की वैल्यू कहां निकाली है, ये 1/2a। अब यहां भी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या रखना है, अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं रखना। सुनिए यहां आकर क्या क्या रखना है, p और q का मान रखना है। इसमें p और q का मान रखने के बाद सिर्फ dx और dy का मान रखना है, क्या रखना है, चार मान रखने हैं पहले p और q का मान। p और q का मान रखने के बाद गुणा करिए, अगर कुछ टर्म बिना dx dy के मान रखे बन रहा है इंटीग्रेट करने लायक तो उन्हें करिए, जैसे ये वाला टर्म बन जाएगा डायरेक्ट। अब बाकी क्या का नहीं होगा, तो फिर इसका मान रख दिया dx का और ये dy का मान रख दिया। अब फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, जो एक साथ आ रहे हैं जहां से इंटीग्रल डायरेक्ट हो सकता है वहां से डायरेक्ट लिखिए, जिन पदों का इंटीग्रल नहीं हो रहा उन्हें कंबाइन करके बनाने की कोशिश कीजिए कॉमन लेकर या फॉर्मूला लेकर। तो सबसे पहले अभी हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, रोहन इंटीग्रेट ढंग से समझना है ना। अब देखो इसकी गुणा करो अंदर, 1/2a f1 - alpha d β और करो -1/2a f1 - alpha * d α। अब इसकी करो β1/2a f1 - alpha * d α और इसके अंदर करो -β/2a f2 - β * d β। अब बच्चों इसमें कुछ पद तो ऐसे होंगे जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेट हो सकता है, कुछ ऐसे होंगे कि इंटीग्रेट नहीं होगा, उन्हें सर्च करने की कोशिश कीजिए कौन कौन से हैं। ये डायरेक्ट इंटीग्रल लायक है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेट लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्फा इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, बीटा के में, अल्फा भी फंक्शन है एक्स और वाई का, बीटा भी, इसका डायरेक्ट नहीं होगा, इसका डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा। तो इसको लिखो पहले -1/2a f1 - alpha d α और देखो बच्चों यहाँ बीटा का भी टर्म है, सबसे लास्ट वाले को ले लोगे स्पेशल -β/2a f2 - β और मेरे बच्चों dβ, इतने टर्मों का तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा। अब जो बचे उनको बनाने की कोशिश कीजिए, बनाएंगे कौन सा, एक तो ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, इसमें से सबसे पहले 1/2a कॉमन लोगे, 1/2a कॉमन लोगे। अब यहाँ क्या बचेगा f1 - alpha
और डी बीटा, और बच्चों इसमें क्या बचेगा प्लस बीटा और एफ वन डबल डैश अल्फा और डी अल्फा। बच्चों अब मुझे इनमें से किसी का कोई प्रयोग नहीं करना जो बोर्ड पर लिखा हुआ नीचे से मैं रफ कर रहा हूं। देखिए अब माइनस का ए डी इंटीग्रेट बिल्कुल लास्ट में जाकर करूंगा जब फॉर्म बना लूंगा इंटीग्रल की, तो बार बार इंटीग्रल लगाना पड़ेगा नहीं। एफ टू डबल डैश बीटा और डी बीटा। अब जरा यहां कोशिश करिए जरा किसका फॉर्मूला बन सकता है। देखो एफ वन डैश अल्फा का दो बार अवकलन हो गया है तो एफ वन डैश अल्फा बनेगा साथ में, और ये बीटा जो भी तो ये बनेगा बीटा इंटू एफ वन डैश अल्फा, और यहां क्या लगाओगे डी डी करली ब्रैकेट डी। अब चेक कर लो इसको सॉल्व करके ये आएगा या नहीं। देखिए एफ वन डैश अल्फा बीटा का डी बीटा प्लस बीटा जो भी तो एफ वन डैश अल्फा का एक और बार अवकलन एफ वन डबल डैश। सभी टर्म ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, तो अब इंटीग्रेट करिए इंटीग्रेटर जेड इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स वाई माइनस वन अपॉन टू। देखो एफ वन डैश अल्फा का अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये डैश है डिफरेंशिएशन मतलब, और इंटीग्रेशन से फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट खत्म हो जाता है। तो यहाँ केवल एफ वन अल्फा नया फंक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी मानना है वो तुम्हारे हाथ में। देखो इसका रिजल्ट क्या दे रखा है यहाँ बुक में, देखो यही दे रखा है या कुछ और मान रखा है। माइनस वन अपॉन टू ए एफ वन अल्फा आ गया। यहाँ फिर से परेशानी है तुम्हारे सामने, बीटा के रेस्ट को इंटीग्रेट कर रहे हो और दो जगह बीटा का टर्म, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करना है। तो अब उसके लिए फॉर्मूला है ब्रैकेट लगाओ फर्स्ट और सेकंड, तो मैंने क्या कर दिया बीटा, और इसका मैं इंटीग्रेट करूंगा सेकंड का, जरा ध्यान से सुनना सेकंड का इंटीग्रेट करूंगा कई बार इंटीग्रेट है दो बार उल्टा बोल रहे डिफरेंशिएशन है और कर रहे इंटीग्रेट, तो एक बार डिफरेंशिएशन खत्म हो गया क्या हो जाएगा एफ टू डैश। बच्चों मैं इसको खोलकर अलग के बता दूंगा, अगर समझ ना आए तो पूछ लेना फिर से सुना। पहला फंक्शन जो भी दो इसका डिफरेंट वो इंटीग्रेट दो बार डिफरेंशिएट है, एक बार डिफरेंशिएट खत्म हो जाएगा, फिर फॉर्मूला में क्या होगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट क्या माना हमने बीटा और टोटल का हम बीटा ही रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बीटा का रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट एक हो जाएगा, हो जाएगा एक डिफरेंशिएट। फिर इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट फिर से एफ टू डैश बीटा हो जाएगा, और आप एक बात जानते हैं दोबारा फिर तो इंटीग्रेट भी तो करना होता है इसका इंटीग्रल बाई पार्ट्स में, फॉर्मूला याद हो तो अगर विवेक याद है हाँ, तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये रहा साहबी डैश खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा आप डायरेक्ट लिख दो एफ टू बीटा बीटा एफ टू बीटा, और ये ब्रैकेट बंद क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब यहां देखो बच्चों ये क्या है हमारे पास में, ये जेड इक्वल टू माइनस ए एक्स वाई माइनस वन अपॉन टू ए एफ वन अल्फा मल्टीप्लाई करो माइनस वन अपॉन टू ए बीटा एफ टू डैश बीटा और माइनस वन प्लस वन अपॉन टू ए एफ टू बीटा प्लस वन अपॉन टू ए बीटा एफ वन डैश अल्फा। इधर अब पूरा उतर जाए जब पूरा हो जाए जब उतरना हो। देखिए अब यहाँ पेयर बनाने की कोशिश कीजिए डायरेक्ट, ये वाला और ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा, इसका कुछ ना होगा, समझ में आ रहा है।
इस दोनों में वन अपन टू कॉमन लगाई दे रहा है, बीटा एफ वन डैश अल्फा बीटा एफ टू डैश बीटा, ये काम हो सकता है इसका कुछ। तो इसको देखो जेड इक्वल टू माइनस ए एक्स वाई माइनस वन अपॉन टू ए, बच्चों माइनस वन अपॉन टू ए कॉमन ले ले रहा हूं मैं एफ वन अल्फा, और माइनस उधर क्या है एफ टू बीटा, ये रहा एफ टू बीटा। अब बाकी जो बचा मैं इसमें से कॉमन ले ले रहा हूं वन अपॉन टू ए माइनस का माइनस वन अपॉन टू ए, और बच्चों क्या बीटा एफ टू डैश बीटा और माइनस एफ टू बीटा। बच्चों ये किसी का मान होता है, जरा देखो पीछे किसका मान है, एक्स का वाई का अल्फा का बीटा का, जो तुमने निकाले हैं या इससे रिलेटेड मान हो, अपने मानों को देखो। ये जो चार पांच मान निकलवाए मैंने एक्स वाई पी क्यू, उसमें से पी का क्यू का तो होगा नहीं, एक्स या वाई में से देखो किसका ये मान किसी का बीटा बीटा है, एफ टू टर्म में बीटा आएगा, इस पर बीटा तो कहीं रह गया होगा बच्चों, देखो कहां रहा है, देखो लास्ट टर्म को ये है हमारा और एक ये, हाँ बीटा मैंने इसके साथ ये लिख दिया बच्चों का बीटा, और ये भी तो फॉर्म ही पूरी चेंज हो जाएगी, बराबर टू ए कॉमन ले लिया माइनस में तो यह माइनस हो जाएगा, और ये बीटा एफ वन डैश अल्फा देखना है, हाँ बीटा भी कॉमन आ जाएगा, बीटा भी ले लो कॉमन है तो। अब देखो किसी का मान हो तो ये वाला माइनस ये वाला किसका है और ये माइनस वाई का, तो ये मान ऊपर वाले किसका है, ये किसका है प्लस या माइनस, माइनस माइनस। तो इसको तो जो भी तो लिखो बच्चों, जब किसी का मान नहीं है तो, और बच्चों इसका मान लिख दो माइनस वाई बता रहे हो और ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस बीटा अपॉन टू ए से टू ए, अच्छा टू ए समेत वाई का मान तो बीटा वाई, प्लस टू क्यू टू क्यू टी माइनस फोर पी क्यू फोर पी क्यू और आर टी माइनस एस स्क्वायर और इक्वल टू क्या बच्चों ए। तो जरा कंपेयर करो, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ कि इसकी उससे कंपेयर करने का, आपको पता है किससे कंपेयर करते हैं हम, डायरेक्ट लैंग्वेज समीकरण लिखे दे रहा हूँ आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस यू आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू बी। तो इस इक्वेशन की इससे कंपेयर करने का, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है टू बी है, कैपिटल एस की वैल्यू क्या है टू क्यू है, और कैपिटल नहीं जो एस की वैल्यू जीरो है इसमें, तो इस इधर एस का टर्म नहीं है तो एस की वैल्यू जीरो है, और इस कैपिटल टी की वैल्यू है टू क्यू और U की वैल्यू है माइनस फोर पी क्यू और V की वैल्यू है, तो लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा, लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों लैम्डा स्क्वायर यू वी प्लस आर टी लैम्डा एस यू और प्लस बच्चों कितना यू स्क्वायर इक्वल टू वन। तो बच्चों ये तो फोर पी क्यू है हाँ फोर पी क्यू है बच्चों, देखिए एस का वन जीरो तो ये तो टर्म जीरो हो गया, इधर देखो यू की वैल्यू कहाँ है
माइनस फोर पी क्यू और वी की क्या एक तो इतना ही हो गया, प्लस आर की वैल्यू क्या है टू पी और टी की वैल्यू क्या टू क्यू। तो बच्चों ये भी चार पी क्यू हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के बराबर आएगी। मैंने क्या लिख दिया वन, बच्चों गलत लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो के बराबर आएगी। तो अब आप देख रहे हैं यू की वैल्यू क्या है माइनस फोर पी क्यू, तो सोलह पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्या देखा आपने इससे ये कैंसिल फोर पी क्यू से, तो लैम्डा का ये भी टर्म खत्म ये भी खत्म। तो हमने क्या देखा कि लैम्डा का मान निकालने के लिए काम कर रहे हैं, लैम्डा का मान निकल रहा है। तो क्या लिख दोगे यहाँ हेयर वी आर अनेबल टू फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दिस मेथड फेल फेल। तो हेयर बी प्रोसीड डायरेक्ट मेथड। अब बच्चों यहां के बाद में सवाल नहीं कर रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ। मुंबई से ही तो होगा फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट से होगा अभी मेरे सामने एक ही पूरा हुआ अभी। चलो देखिए बच्चों, देख लियो वीडियो में जरूर जाते, क्योंकि जब तक उन चार पांच सवाल ना देखोगे होंगे ना सवाल। अब उसमें भी तीन चार मेथड है, पता ना कौन सा केस बन जाएगा, पर एक केस का तो उसमें चेंज करेंगे थोड़ा सा चेंज, क्योंकि अगर पहली अभ्यास का ही सवाल शुरू से होता तो एस के गुणांकों से दो इक्वेशन लेते थे, इसमें जो एस का गुणांक नहीं है दूसरी वाली इक्वेशन उसको तोड़ेंगे दो भागों में। वहां से सिंपल सवाल होता है बिल्कुल, ये पी और क्यू के मान निकालते हैं उससे और डायरेक्ट डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख देते हैं। तो बच्चों देखो क्या करना है आपने, यहाँ बी प्रोसीड डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में मैं आर का मान डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर और टी तो निकालने आते होंगे, आर का मान डी पी माइनस एस डी वाई बटे एक्स और t बराबर dq माइनस s dx बटे dy। तो ये वैल्यू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r एंड t इन द गिवन इक्वेशंस, इन द गिवन इक्वेशन देखिए क्या होगा। 2p r की वैल्यू क्या dp माइनस s dy बटे dx, 2q t की वैल्यू क्या dq माइनस s dx बटे dy माइनस 4pq r की वैल्यू ऐसे यही dp माइनस s dy बटे dx इनटू, और Q की वैल्यू बच्चों देखो ये टर्म यहाँ पे खत्म है, Q की नहीं T है, T T की वैल्यू क्या ये dQ माइनस S dx बटे dy क्या हो गया माइनस 4PQ RT और माइनस S स्क्वायर ब्रैकेट वन और इक्वल टू ए। ये काम आप स्वयं करें, यहाँ तक उतारे और यहाँ के बाद मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाए बताएं क्या होगी एलसीएम वगैरह का। एक टर्म एस का बिल्कुल और एक टर्म में कोई एस नहीं, जल्दी बनाइए और मुझे बताइए। दोबारा देखो U की वैल्यू देखो
माइनस फोर पी क्यूब है और v की वैल्यू एक है तो यू बी के स्थान पर माइनस फोर पी क्यूब आ जाएगा, फिर बीच में लगाओगे प्लस, फिर r है, r की वैल्यू क्या है टू पी, t की वैल्यू क्या है टू क्यू, दोनों की गुणा करोगे तो फिर से फोर पी क्यूब आ जाएगा, फोर पी की से फोर पी क्यूब कट जाएगा जीरो, और ये एस का मान जीरो इसलिए पूरा जीरो हो जाएगा। ये इतना यही हम छोड़ रहे हैं, जो भी लैम्डा निकल रहा वो निकल गई यहाँ। अब तुम बताओ क्या देखना है इसमें, ठीक है। जो भी मतलब एस में टर्म जरूर बचेगा एक ना, एस स्क्वायर वाला कट जाएगा, हाँ वो कट जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करो जल्दी और बताओ मुझे। बीस बार अखबार बस, बीस ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चालीस बार अखबार पढ़ रहे हैं, सड़सठ बार कभी पहले तो मैं एक चीज देखूंगा कोई बंद तो ना है वो पढ़ना एक दोबारा। नेहा शर्मा पढ़ रही है, नेहा शर्मा ऑनलाइन में, नेहा शर्मा अरे तुम्हें ध्यान मार लो, नेहा शर्मा पढ़े या ना पढ़े है? मैं चेक भी ना करता उनकी पता ना पड़े, पढ़ जा मैं ऐसी पिछली किताब में गया रहा, नेहा तुमने बंद कर दिया ट्यूशन के ना सर जी डेली पढ़ू मैं, राम राम ना करे ना कछु तो मुँह पतो ही ना पड़े क्या ही ना, जो ना कुछ पूछे बालक पूछे बोले राम राम से हम सब करें तो ध्यान दे रहे। सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस समय और ऑफलाइन पढ़ रहे हैं जिनकी फीस जमा नहीं, वो फीस जमा करें क्योंकि कल मैं नाम से संबोधन करने आ रहा हूँ, आज ही करता सर बालक ही ना ज्यादा हो गया, चेक कर लेना जरा। देखिए बच्चों, देखिए ऑनलाइन वाले बच्चों इम्प्लाई करेगा जगह बीच में छोड़ के सॉल्व अपने आप करोगे एलसीएम वगैरह लेकर, एक पार्ट में एस के टर्म रखने और एक में बिना एस के, बताओ क्या आया है। ला मैं अपने आप लिख लूंगा, और दुर्गेश तुम भी करो फिर मिलाना है, क्योंकि टू पी बिना डी डी वाई प्लस टू क्यू डी क्यू डी एच माइनस फोर पी क्यू डी डी क्यू माइनस डी एक्स डी वाई, एक तो ये हो जाएगी मोंगे सब साइड, ये वो है जिसमें ऐसे नहीं होना चाहिए सही है, चार पी क्यू डी पी डी क्यू है, ये वो है जिसमें एस नहीं है और दूसरी वो जिसमें एस है तो उससे प्राप्त होगा टू पी डी वाई स्क्वायर प्लस। बच्चों अगर आपका यहाँ तक सही है तो सवाल सही हो जाएगा, और यहाँ तक ये वाली चीज में गलती की जो मैंने तुम पहले करवाई तो परेशानी हो जाएगी। चार पी क्यू डी पी डी एक्स माइनस का, आप चार माइनस चार पी क्यू डी वाई डी क्यू इजिकल टू जीरो पकड़ो, तुम दोनों की यही आई है। देखिए बच्चों दुर्गेश और चेक कर रहे हो या कंफर्म हो, चलो देखिए तुम्हारे डायरेक्ट से मुझे बहुत डर लगता है इसमें, और पहले मेथड में अंदर बस इतना करना है, पहले तो हम एस के गुणांक को तोड़ते थे, चेक इसमें भी करेंगे आप, अगर एस के गुणांक दो पार्टों में नहीं टूटे हैं
एस के गुणांक से जो बनने वाली इक्वेशन है वो दो पार्ट में नहीं टूटी है, तो फिर आप इधर जाओगे ऊपर इसको तोड़ोगे। इसको देखो पहले ये दो पार्टों में टूटेगी या नहीं, मतलब दो फैक्टर होंगे या स्क्वायर वगैरह होगा क्या नहीं, जरा देखना इसको देखें पहले। कोई फायदा नहीं कॉमन ले, जैसे पी क्यू है बस। अब इसके साथ इसे देखो तो पी डी वाई, तो दो डी वाई यहाँ बचेगा पी, और देखो डी वाई है ना इसमें भी ना बन रहा इसको देखो, इसका इन दोनों के साथ पेयर नहीं बैठता, इसके साथ देखो कॉमन क्या आएगा पी डी वाई, यहाँ टू डी वाई हो जाएगा, पी डी वाई कॉमन लेंगे माइनस फोर क्यू, और टू भी ले लिया टू क्यू और डी क्यू भाई बात नहीं। अब इन दोनों को देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन लेगा, ये पेयर अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो नहीं है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है बच्चों, टू क्यू डी एक्स, तो ये बचेगा केवल डी एक्स और माइनस टू क्यू, तो टू पी डी बी। क्या ब्रैकेट में एक से है ये भी एक से है, कितनी देर कैसे लगा रहे देखने में नहीं है, इसका मतलब इसको दो फैक्टर के रूप में हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। ठीक, जब नहीं तोड़ पा रहे हैं तो अपने ऊपर पहुंच जाइए आप। इनको कुछ नाम सुन, नामों से ड्रॉप करो, इसको दो मान लो और इसको तीन। अब फिर दो देखो, दो जब टूटेगी अगर ये नहीं टूटा तो, इसमें इन दोनों से ही देख लो पहले कुछ कॉमन है क्या, नहीं डी यू डी एक्स इसको मत देखो, डी पी डी वाई इन दोनों को देखना, एक तो डी पी है इसमें भी है और टू पी। तो बच्चों पहले और तीसरे में से रफली चेक कर रहा हूँ मैं, पहले टू पी डी पी कॉमन, तो डी वाई और माइनस टू क्यू डी पी, और इसमें से और इसमें से देखो ब्रैकेट के अंदर टू क्यू डी क्यू, टू क्यू डी क्यू, अच्छा हाँ पी ले लिया हमने कॉमन। अब इसे और इसे देखो, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से डी एक्स केवल है माइनस ले लो, चलो माइनस डी एक्स अगर इधर से कॉमन लेते हैं हम तो डी वाई माइनस टू क्यू डी क्यू। बच्चों कहीं ना कहीं गलती जरूर की है, क्योंकि अगर ये नहीं टूटेगी तो ये जरूर टूटेगी दो जगह, क्योंकि पी एफ कहाँ यहाँ अच्छा डी वाई बचेगा, मैं क्यों गलती से लिख गया हूँ, तो ठीक है बच्चों अगर ऐसा नहीं होता तो समझो गलत है आपका, एक जरूर टूटेगी आपकी। तो आप क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन टू रिजॉल्व इन टू इक्वेशंस। बच्चों अब मैं यहाँ सॉल्व ना कर रहा, सॉल्व आप स्वयं करेंगे, मुझे यहाँ से डायरेक्ट मिल गई है कंडीशन, टू इन टू इक्वेशंस कौन कौन सी, डी वाई माइनस टू क्यू डी क्यू, और एक ब्रैकेट क्या, एक ब्रैकेट में आ जाएगा टू पी डी पी माइनस डी एक्स इजिकल टू जीरो, तो यहां से इम्प्लाइज करेगा डी वाई माइनस टू क्यू डी क्यू, टू क्यू डी क्यू बराबर जीरो, और एक हो जाएगा टू पी डी पी माइनस डी एक्स इजिकल टू, यहां तक उतारिए बच्चों पहले आप सब, या मेरे हिसाब से आप इतना उतार चुके हैं शायद यहां तक है, उतार लिया यहां तक, ठीक है तो पहले इधर से मिटा रहा हूं मैं, देखिए और बच्चों अगर ये मेथड बनता है आपका कि आपके एस के कोएफिशिएंट से बनने वाली इक्वेशन दो पार्टों में नहीं टूट रही, दूसरी टूट रही है, तो कुछ नहीं करना बस डायरेक्ट पी और क्यू के वैल्यू निकालने जा से भी निकले। तो देखिए इससे इफ यदि d
डी वाई माइनस टू क्यू डी क्यू इजिकल टू जीरो। आवाज बंद भाई, तो यहां से आप इसको क्यू डी क्यू और माइनस से डिवाइड करके ये माइनस हो जाएगा और टू से भी डिवाइड कर दिया वन अपॉन टू डी वाई। अब तुम ये कहोगे कि सर जी आपने ये वन अपॉन टू लिखने की इधर क्या जरूरत पड़ी, हम क्यू का मान निकालना है इसलिए क्यू के साथ कोई कोएफिशिएंट वगैरह नहीं चाहते यहाँ पे डायरेक्ट टर्म। तो क्यू इंटीग्रेटिंग लिखो इंटीग्रेटिंग तो क्यू स्क्वायर बटे टू तो ये हो गया और माइनस वन अपॉन टू डी वाई का बाई ये हो गया और इजिकल टू कॉन्स्टेंट ए लिख दिया। अभी तक कोई कॉन्स्टेंट तो यूज नहीं हुआ ना। अब बच्चों टू इधर भेज दो क्यू स्क्वायर माइनस वाई इजिकल टू टू ए। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की। तो क्यू इजिकल टू वाई प्लस टू ए और ये क्यू स्क्वायर क्यू इजिकल टू प्लस वाई अंडर रूट वाई प्लस टू ए। बच्चों यहां आप स्वतंत्र इसे 2a रहने दें या इक्वल लिख दें, मतलब नया कांस्टेंट बना दें, आंसर उसी हिसाब से आएगा, q की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको लिखें एंड इफ और यदि 2p dp माइनस dx इक्वल टू जीरो तो p dp 1 बटे 2 dx दो से डिवाइड करके लिख दिया बच्चों, इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट किया तो p स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 अपॉन 2x इजिकल टू p p स्क्वायर कैसा सी आ रही भाई p स्क्वायर इजिकल टू x प्लस 2b p इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस 2b। ये p और q के मान निकल गए। ऐसा कब करना है जब एस के कोफिशिएंट से जो इक्वेशन प्राप्त हुई वो दो भागों में ना टूटे, ऊपर वाली को तोड़ते हैं अगर हम तो उससे डायरेक्ट पी और क्यू के बारे में निकालते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पी और क्यू आपके निकल आए, अब क्या लिखोगे आप ना टूटेंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन dz इक्वल टू pdx प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू क्या है देखो जरा, अरे पी कहाँ गया बच्चों, प्लस माइनस रूट एक्स प्लस टू बी डी एक्स प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस टू बी। उम्मीद करूंगा कि आप तो इंटीग्रेट कर ही दोगे, बिल्कुल सिंपल टर्म बचा है, कुछ नहीं करना इसमें। तो यहाँ एक्स की पावर एन लगेगी, यहाँ वाई की पावर एन लगेगी, यहाँ के बाद दो लाइन आप स्वयं करके लाएंगे।